तिरंगा अभियान को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी पश्चिम यूपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने तिरंगे के मामले में शफीकुर रहमान बर्क को गद्दार कहते हुए कहा, जो अपने घर पर तिरंगा नहीं लगा सकता है वो गद्दार है। और उन्होंने बर्क के खिलाफ केस दर्ज कर लोकसभा से सांसद की सदस्यता खत्म करने की सरकार से मांग की है। यही नहीं, बीजेपी नेता ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के चुनाव लड़ने पर रोक की सरकार से मांग की है। जो संभल के सांसद हैं, जो उन्होंने तमिलनाडु पर जो उन्होंने उठाई है कि मैं इस देश का निवासी हूँ, मैं इस मुल्क का निवासी हूँ, और उसके बाद भी एक तरफ कहते हैं मैं मुल्क का निवासी हूँ और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तिरंगा नहीं रहूँगा। वास्तव में ऐसे लोग ही देश के एक गद्दार हैं। और सरकार को और प्रशासन को ऐसे लोग चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी लोकसभा की सदस्यता भंग की जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव का आम चुनाव आए तो उस पर ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगा हुआ है कि जो लोग घर पर तिरंगा नहीं ला सकते तो ऐसे लोगों को चुनाव से ही रोक लगानी चाहिए। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कार्रवाई में खड़ी हो चुकी है। मैं तो मांग करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से कि वह कड़ा निर्णय लें और ऐसे सांसद जो देश भक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो तिरंगे पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए।